हतो वा प्राप्सिसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। जम्मू कश्मीर के सभी राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, भगिनियों, भारत आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा पूरे विश्व का मार्गदर्शन सदा से सदियों से करता आ रहा है। इसी श्रृंखला में भारत को विश्व गुरु के आसन तक ले जाने की अग्रणी पंक्ति और अग्रणी भूमिका में माननीय प्रधानमंत्री जी समक्ष हम सब लोगों के, भारत का योगदान पूरे विश्व के लिए एक क्रांति लेकर सदियों से आया है। कैसा भारत, जिस भारत की कल्पना, जिस भारत का सपना हमारे देश के पूर्वजों ने, पुरखों ने, शहीदों ने देखा, सैकड़ों क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अंडमान की काली कोठरी की दीवारों पर अपने हृदय के रक्त से शौर्य की कथाएं लिखी थी। वो कौन सा कारण था कि रावी के तट पर खड़े होकर हमारे देश के सपूतों ने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर वो अतीत के भारत का स्मरण हो आया है, इसलिए उन बलिदानियों को का स्मरण करने का दिवस भी आज है। लोग पूछ रहे हैं विरोधी कि मोदी जी स्वयं सेवक रहे, लेकिन संघ ने देश के लिए क्या किया है? मैं बताना चाहता हूं कि संघ अपने संस्कारों से, मां भारती के संस्कारों द्वारा अभिसिंचित जब किसी बालक को करता है तो पूरा विश्व संघ की शक्ति का अनुभव करता है कि एक चाय बेचने वाले बच्चे को भी संघ भारत का प्रधान पंत बनाकर पूरे विश्व के समक्ष जब खड़ा करता है तो भारत की धमक पूरे विश्व के अंदर सुनाई देती है। चाहे सीमा पर आज चीन है, चाहे पाकिस्तान परस्त लोग या पाकिस्तान है, उनके सामने भारत के नेतृत्व का ना झुकना हमारे मनोबलों को और मजबूत कर देता है। और आज भारत के नेतृत्व ने तो ऐलान किया है कि चीन कह रहा है कि लद्दाख के बिना वो अधूरा है, तो आज भारत का नेतृत्व संकल्प निष्ठ होकर ऐलान कर रहा है कि यदि चीन लद्दाख के बिना अधूरा है तो मान सरोवर कैलाश के बिना भारत भी अधूरा है। ऐसा होगा कि आने वाले भारत की तस्वीर के नक्शे में कैलाश मान सरोवर का दर्शन होगा। ऐसा नेतृत्व पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करता बल्कि प्रेरणा देता है। हमारे सैनिकों के अंदर ऐसा साहस कि आज वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर खड़ा है, मां भारती की मिट्टी को कोई पापी छू नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्य भारत के उन सैनिक सिपाहियों में कहां से आया है? जब भारत का नेतृत्व मजबूत होता है, जहां सदियों के बाद भी अतीत के आप यदि भारत के प्रधानमंत्रियों को देखें तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले, ये भारत के लिए गौरव का विषय ही है। इसलिए मैं नमन करता हूं उस मां को जिसने अपनी कोख से ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिसके अंदर साहस है, जिसके अंदर भारत मां को विश्व गुरु के आसन पर ले जाने की उत्कंठा है, जिन प्रधान पंत जी का जीवन संघ के उस सूत्र से पल्लवित होता है जहां उनके जीवन ने समग्र विश्व को कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दू। जब उन्होंने भारत की धरा से खड़े होकर पूरे भारत के युवाओं को आह्वान किया कि मैं देश, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा,
करोड़ों करोड़ों युवाओं के मन में प्रेरणा आ गई कि हमें कुछ करना है, इस देश के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है। ऐसी प्रेरणा मिली ऐसे यशस्वी प्रधान पंत जी के, जिनके जीवन का आदर्श स्वामी विवेकानंद रहे, जिनके जीवन का आदर्श हमें बताता है कि जन्म जहां पर हमने खाया अन्न, जहां का हमने खाया जन्म, जहां पर हमने पाया वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां, ऐसी प्रेरणा उनके जीवन का दर्शन करके समग्र विश्व को मिलती है। हृदय अभिभूत हो गया, पूरे विश्व के राम भक्तों के भारतीयों की आंखों में आंसू आ गए। 5 अगस्त 2020 का वो समय जब प्रधानमंत्री जी का साहस, जिन्होंने अयोध्या में राम जन्म भूमि के समक्ष जाकर जब रामलला जी को प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर आए। उनका साष्टांग अपनी संस्कृति के प्रति गौरव स्थापित करता है। उनकी श्रद्धा हृदयों को आकर्षित ही नहीं करती, हृदयों को एक प्रेरणा देती है। रामलला का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ। कैसा दृश्य था, पूरा विश्व मानो ठहर गया, समय रुक गया हो। आंखों में आंसू भरे हैं लेकिन हृदय के अंदर उल्लास भी आ गया। ऐसा साहस, ऐसा ऐसा भारत की मिट्टी के लिए समर्पण, अपनी मूल संस्कृति के प्रति गौरव का होना। प्रधानमंत्री जी आपके ऋण के सदैव ऋणी, पूरे भारतीय सदा सदा के लिए हो गए हैं। आपने जो विश्व के पटल पर भारत की छवि को अंकित किया है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत की जो धमक सुनाई दे रही है, भारत का जो श्रेष्ठत्व है। मुझे स्मरण है जब प्रधानमंत्री जी जापान गए थे तो जापान के अधिपति ने कहा था कि मोदी जी आप भारत से जापान को देने के लिए क्या क्या लेकर आए हो। मोदी जी ने कहा था कि जापान के अधिपति, मैं भारत से अपने साथ में भगवत गीता लेकर आया हूं, आप लोगों को उपहार देने के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए पाने के लिए गीता से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, और मेरे पास गीता से श्रेष्ठ कुछ आपको देने के लिए नहीं है। इस भारत की मिट्टी की अस्मिता के लिए, इस भारत के गौरव के लिए लाखों लाखों माताओं ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने पढ़ लिखने के बाद कैरियर नहीं बनाया, जिन्होंने अपनी जवानी के दिए जलाकर मां भारती के लिए अपने जीवन को आहुत कर दिया। ऐसे स्वयं सेवक, ऐसे स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वयं सेवक की इस श्रृंखला में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन संस्कारों से पल्लवित हुए, वो आज दर्शन हमको हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को पूरे विश्व ने देखा कि 370 धारा को निरस्त कर दिया गया, 35A को हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को 370 की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करके एक आत्म भारत को एक सूत्र में पिरो दिया गया, अलगाववादियों की कमर तोड़ दी गई, देशभक्तियों की भक्ति परवान चढ़ गई, देशभक्तों के सपने, भारत के लिए अपने प्राणों को आहुत देने वाले शहीदों का बलिदान मानो सफल हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान सार्थक हो गया, और दर्शन किया हमने। और अब हम सभी भारतीयों को महसूस हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। एनआईए की रिपोर्ट अभी कह रही है कि 370 हटने के बाद में आतंकवादी घटनाओं में कितनी बड़ी कमी आई है, अलगाववादियों की कमर टूट गई है, पाकिस्तान के झंडे नहीं सड़कों पर चलते दिखाई दे रहे। और इसका प्रतिफल क्या हुआ है कि सैयद अली शाह गिलानी जैसे कट्टरपंथियों की ऐसे ऐसे वो निरस्त हुए कि उन्होंने हुर्रियत से इस्तीफा ही दे दिया। ये राष्ट्रभक्त समाज की जीत, इसका श्रेय किसको जाता है, ये चिंतन करने का विषय है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले जिनके जन्म दिवस के लिए आज संत समाज इस मोड़ पर आकर खड़ा है कि वो भारतीय मां के गुणगान गाने के लिए
और प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं शुभाशीष देने के लिए आज आज सड़कों पे आज अपने आश्रमों से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। किस लिए हो रही है? कि भारत को उन्नत बनाना है। जिस भारत का सपना हमारे पूर्वजों ने हमारे क्रांतिकारियों ने देखा, इस देश की माताओं ने खो-खो के लाल समर्पित कर दिए। विद्यावती से लोगों ने कहा भगत सिंह की मां होके रोती है। विद्यावती ने कहा मैं अपने पुत्र भगत सिंह की फांसी के लिए नहीं रो रही, अपनी कोख पे रोती हूं। काश मेरी कोख ने कौर भगत सिंह को जन्म दिया होता, उसको भी मां भारती के चरणों में समर्पित कर देती। उनका स्मरण होता है मोदी जी के जन्म दिवस पर। इसलिए चाहे राम जन्म भूमि का मुद्दा है, भूमि पूजन है, जो 490 सालों का इतना बड़ा संघर्ष और उसका प्रतिफल आज समक्ष विश्व के सामने उपस्थित हुआ। तीन तलाक से मुक्ति मिल गई, भारत को उच्चता के शिखर पर, श्रेष्ठतम शिखर पर ले जाना, ये किसका सपना है? ना जाने कितने विरोधी पैर खींचते हैं, अनर्गल प्रलाप होते हैं, देशद्रोहियों के हृदय में शूल चुभते हैं, गद्दारों के मन में कांटे चुभते हैं। ये क्या हो रहा है भारत में? राष्ट्रभक्ति प्रबल होती है तो गद्दारों के मन में, देशद्रोहियों के मन में शूल चुभ जाते हैं, धर्म निरपेक्षता का वो राग आलापने लगते हैं। इसलिए वीर सावरकर की जीवन की प्रेरणा, मोदी जी कहते हैं कि भारत के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वीर सावरकर जी ने जैसे वो अपने पौरुष को सागर की उताल तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिख दिए जिन्होंने, वो सदा कहते हैं कि घोर अंधेरा है कोई बात नहीं, अगर घोर अंधेरा है यारो दिया जलाना। किसने किया कहा है कि दिया जलाना? दिया जलाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए यशोदा बहन जी जो 17 सितंबर को 1950 को जिनकी कोख से एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया, महेसाना जिले के बड़नगर में जिन्होंने मां भारती के शीर्ष को गौरवान्वित कर दिया, धन्य हो गई भारत की भूमि आज। और आज भारत की भूमि जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा वो सार्थक होता दिखाई देता है। पुरखों ने गाया था कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है, ऐसा दृश्य आज भारत के अंदर दिखाई दे रहा है। बेटी पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, उसके लिए ना जाने कितनी योजनाएं चली हैं, पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, भारत को हम किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये श्रेय किसको मिलता है? ये श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उन राष्ट्रभक्तों की राष्ट्रभक्ति को भी मैं नमन करता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज का जो दिन है बहुत ही शुभ है, प्रेरणा लेने का दिन है आज। और ये प्रेरणा किनसे मिलती है हमें? एक समय था, भारत ने वो दिन भी देखे थे जब भारत मांग करता था ऐसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने अपनी स्वाधीनता को तब स्वाधीनता समझा जब उन्होंने भगवान सोमनाथ के चरणों में अपनी स्वाधीनता के सुमन चढ़ाए, और 5 अगस्त 2020 को उसी लोह पुरुष का दर्शन किया जिसने अपनी देश इस भारत की मिट्टी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करने का हमको सूत्र दिया जब उन्होंने रामलला के भूमि पूजन को कर रामलला के भूमि पूजन की उस मिट्टी से माथे पर तिलक लगाया तो स्वाधीनता का स्मरण हो आया। राम भारत की पहचान है, राम भारत का गौरव है, पूरे विश्व के अंदर भारत की कोई पहचान नहीं हो सकती, भगवान राम ही भारत है और भारत ही श्री राम है। कैसा साहस, अदम्य साहस, कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया। राम जन्मभूमि तक जाने पर उनके हाथ पैर फूल जाया करते थे, बिना किसी की परवाह किए राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर, निमंत्रण पर उनका जाना भारत की संस्कृति के गौरव को स्थापित करता है, विश्व के पटल पर भारत की संस्कृति को मजबूत करता है। लोग कहते हैं कि ऐसी ऊर्जा, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा साहस कहां से मिलता है मोदी जी को? ये अध्यात्म से मिलता है। भगवती मां के नवरात्रि का व्रत करना, निर्भीक होकर बोलना, दुश्मन के सामने ललकारना, भारत की मिट्टी के और भारत के हम टुकड़े नहीं होने देंगे। आप देखते हो गलवान में जो कुछ हुआ, किसी को नहीं पता। सुबह हुई, टीवी स्क्रीन ऑन होती है तो प्रधानमंत्री जी गलवान के उन अपने भारतीय सैनिकों के साथ खड़े हैं, आंखों में आंसू भर आए। अपने देश के सैनिकों को जो सम्मान मिला, जिसके लिए सैनिक तरसता रहा, भारत की मिट्टी के लिए दुश्मन की गोली को छाती पर खाता रहा, उनके साथ खड़े होना प्रेरणा मिलती है कि जीवन किसका है। मोदी जी के जीवन को देखते हैं तो वहां से एक सूत्र मिलता है कि जीवन तो छत्रपति शिवाजी का है, जीवन तो महाराणा प्रताप का है, जीवन तो शहीद भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई का है, जिन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए और भारत को आत्मसम्मान के रूप में स्थापित करने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, अपने हृदय के रक्त से भारत की भूमि को भी सिंचित कर दिया, कश्मीर के अंदर से आवाज दी कि पूरे विश्व के अंदर अगर सुपर स्टार को स्टारडम है, सुपर स्टार कोई हीरो है, वो बुरहान वानी है। लेकिन आज भारत की मिट्टी ऐलान करके कहती है कि कोई आतंकी भारत की मिट्टी के टुकड़े करने वाला, निरपराध लोगों को मारने वाला इस देश का हीरो नहीं हो सकता। आज समझ में आया दुनिया को कि भारत का सुपर स्टार हीरो तो वो सैनिक फौजी है जो दुश्मन की गोली को छाती पर खाकर भारत की मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत करता है। यह सम्मान मिला और उसकी मृत शरीर के ऊपर जब तिरंगा जब उस मृत शरीर के ऊपर उसको आवृत किया जाता है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों, भारत की सरहद पर तिरंगा हवाओं के झोंकों से नहीं लहराता। आज जो नेतृत्व में मिला है भारत के सैनिकों फौजियों की, जब राष्ट्रभक्ति की वो श्वास लेते हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति की श्वास से देश की सरहद पर तिरंगा फहरा रहा है। फौजियों के साथ खड़े होना, सैनिकों के साथ खड़े होना, उनको सम्मान देना, अपमानित तो होता रहा, मेरे देश का सिपाही सम्मान मिला इस समय इस भारत में। 70 साल के बाद भी नजारा बदल गया भारत का, दृश्य बदल गया भारत का। किस कारण बदला है? जो जन्मदिवस आज 17 सितंबर को हम मना रहे हैं, गली गली गांव गांव जाकर के सेवा सप्ताह के कार्यक्रम चल रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री का कभी ऐसा जन्मदिवस आपने देखा है जहां वृक्षारोपण हो रहा है? वृक्ष हमें प्राण शक्ति देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं ये पौधे देते हैं। सेवा सप्ताह के माध्यम से पौधा रोपण हो रहा है, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए जा रहे हैं, जहां पर गली गली गांव गांव जाकर के सभी राष्ट्रभक्त समाज अपने रक्तदान कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में आत्मनिर्भर भारत को खड़े कर देना पूरा विश्व देख रहा है, ऐसी महामारी वहां पर भारत आत्मनिर्भर होकर खड़ा है। स्वदेशी को अपनाना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है, अपने स्वदेशी जो उत्पाद हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, स्वदेश पर गर्व कीजिए, अपने भारत की मिट्टी का गौरव अनुभव कीजिए। और आज कड़ा संदेश दिया गया है भारत के द्वारा कि भारत किसी भी स्थिति में, चाहे चीन है चाहे पाकिस्तान है, उसके समक्ष नहीं झुकेगा। ऐसा नेतृत्व, जब ऐसा नेतृत्व देखते हैं, भारत को विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरते देखते हैं, विश्व के अंदर भारत की जो
सम्मान पूर्वक जो छवि निखर कर आई है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के गौरव का बढ़ना जब देखते हैं तो आंखों में आंसू भी आते हैं कि जो मेरे पुरखों ने मुझे स्मरण होता है। मोदी जी जिन संस्कारों में पल्लवित हुए हैं वो संघ के संस्कार हैं। मुझे बोलबलकर गुरु जी की माता श्री का देहांत हो गया, लोगों ने कहा बोलबलकर गुरु जी आप अनाथ हो गए, आपकी माता का देहांत मृत्यु हो गई। गोलवलकर जी ने कहा था भारत के लोगों मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं, गौ माता के रहते भारत माता के रहते गोलवलकर का संस्कार उसकी भावना अनाथ नहीं हो सकती। ऐसे संस्कारों में जहां परिवार ही सब कुछ नहीं है, जहां भारत की मिट्टी मेरा परिवार है, अगड़े हैं पिछड़े हैं गरीब हैं दलित हैं, जहां सेवा ही जिनके जीवन का ध्येय रहा है लक्ष्य रहा है, जहां जात पात की दीवारों को भंग कर दिया गया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति नहीं की, उन्होंने भारत की मूल संस्कृति को जो इस भारत की धरोहर है उसको सीना ठोक के गर्व के साथ कहा, भारत माता की जय का शब्द कभी कानों में कभी कभी गूंजने को अतीत में मिलता था, अब आप देखिए राष्ट्रभक्ति का प्रभाव। कहीं सामाजिक कार्यक्रम होते हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों का आरंभ भारत माता की जय के साथ होता है। भारत मां है, आपने अमेरिका को माता नहीं कहा, आपने पाकिस्तान को माता नहीं कहा, जापान माता नहीं है, माता तो भारत है। क्यों? क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर भी जब इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं तो वो ईश्वर भी भारत की धरती को कोख बनाते हैं, इसलिए भारत मां हो गई है। इसलिए मैं समस्त जम्मू कश्मीर के अपने वासियों से लद्दाख के वासियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत को सशक्त बनाना है, भारत को विश्व गुरु के आसन पर लेकर जाना है, भारत को विश्व के स्तर पर जो भूमिका निभाने का आज अवसर आया है उसके लिए आप सहयोग दीजिए प्रधान पंत जी के कदम से कदम मिलाकर, क्योंकि हमारी शक्ति उनके लिए अभूतपूर्व योगदान है। ये राष्ट्र यज्ञ हो रहा है, इस राष्ट्र यज्ञ में हमारी भूमिका है। लोग कहते हैं भाई संत हैं आप, संत के मुख से ये वक्तव्य कुछ शोभा नहीं देता। क्यों भाई? आपके घरों में रहने वाला कुत्ता सूखी रोटी खाकर अपनी वफादारी को छोड़ नहीं सकता। तो हम भारत के संतों को तो भारत के लोगों ने खीर और माल पूड़े खिलाए हैं, हम उस कुत्ते से गए लेते नहीं हो सकते, भारत की अस्मिता को लुटते नहीं देख सकते। हाँ, भारत आज गौरवान्वित है तो उस गौरव को और गौरवान्वित करने के लिए इस संकल्प यात्रा में मोदी जी के द्वारा जो ये संकल्प यात्रा चल रही है उसका सिपाही बनना अपने आप में गौरव है। वो भारत माँ के सपूत हैं, सेनापति हैं, और ऐसा सेनापति भारत को मिला है तो उस सेनापति की सेना में सैनिक होना ये किसी देशभक्त के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ये आज जो परिस्थिति है इस परिस्थिति का आकलन कीजिए, इस परिस्थिति के बारे में आप स्मरण कीजिए। मेरे पास तो समय नहीं है, मोदी जी का जो योगदान है, जो योगदान ही नहीं है, इस शब्द को मैं कहूंगा ही नहीं, उन्होंने जीवन जिया भारत मां की इस मिट्टी के साथ, पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुक्त होकर भारत को अपना परिवार बना लिया उन्होंने। योजनाओं को मैं कैसे गिना सकता हूं, आप अच्छी तरह से उन योजनाओं से परिचित हैं, जो अभूतपूर्व उन्होंने पुरुषार्थ किए हैं उसको समय की इस छोटी सी गागर में उस किए हुए पुरुषार्थ के सागर को भरा नहीं जा सकता, बिल्कुल भरा ही नहीं जा सकता। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अतीत का स्मरण कीजिए, आज वर्तमान जिस स्थिति में है
इस वर्तमान को और उन्नति की तरफ, इस राष्ट्रभक्ति को और शिखर तक ले जाने के लिए संपूर्ण भारत को एकजुट होना होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है, क्योंकि मोदी जी के जीवन का ध्येय गाने रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि संघ से सीखने को हमें मिला। हमारा ध्येय गान क्या है कि पत्थर चोट खाकर जो टूट गया वो पत्थर हो गया, और चोट को जो सह गया वो शिव शंकर हो गया। इसलिए शिव शंकर की भूमिका में आपने आना है, उस चीज को, उन परिस्थितियों को, विषम परिस्थितियों को, संघर्षों के दौर से आपने गुजरना है और भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं सब जम्मू कश्मीर वासियों को, लद्दाख वासियों को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको हृदय से मैं आशीष देता हूं। माँ भगवती त्रिकुटा पर्वत में निवास करने वाली माँ वैष्णो देवी से, माँ बावे वाली से, अमरनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधान सेवक जी को वो शतायु दे। हे भगवती माँ, उनको ऐसा ही सामर्थ्य देना जैसा सामर्थ्य, जैसा नेतृत्व आज उन्होंने दुश्मन की आंख में आंख डालकर, जैसे आज भारत का नेतृत्व खड़ा है, ऐसी शक्ति देना। नागरिकता संशोधन बिल का आना 10 जनवरी को एक बहुत बड़ा विषय है। त्रसित हिंदू समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत की सड़कों पर नागरिकता के लिए, अगर देश का बंटवारा हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ था। त्रसित हिंदू को वहां से निकाला गया, उनकी बेटियों का अपहरण है, धर्मांतरण है। मोदी जी ने ये ऐसा संकल्प, जिस संकल्प में विकल्प नहीं था, भारत की संसद में बिल आया, पूरे विश्व ने देखा। त्रसित समाज, हिंदू बौद्ध जैन है, हिंदू समाज इतना त्रसित है, उनको नागरिकता दी गई। नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ, सड़कों पर विरोध हुआ, किस कारण? कौन लोग थे जिनकी पेट में दर्द होता? वो गद्दार, जिनको जो सहन नहीं कर पाए इस अदम्य साहस को। इसलिए भारत ने ऐसे अलोल निर्णय लिए, भारत के नेतृत्व ने अलोल निर्णय लिए, प्रधान पंत जी के दृढ़ संकल्प ने ऐसा निर्णय लिया कि सारा विश्व भारत को देखने को मजबूर हो गया। उनके जीवन का आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, शिकागो शहर, विवेकानंद जी भारत का सन्यासी, पूरे विश्व को संबोधित करने गया, सारा विश्व देखने लग गया। केवल एक लाइन बोली विवेकानंद जी ने शिकागो के उस सम्मेलन में कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। 15 मिनट तक तालियां बजती रही विवेकानंद जी की केवल 4 शब्दों को सुनकर। क्यों? उनका इंग्लिश का फ्लो अच्छा है, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, इसलिए नहीं, या भारत के सन्यासी को इंग्लिश की इतनी सुंदर जानकारी है इसलिए तालियां नहीं बजी। तालियां भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों के लिए बजी, जहां पाश्चात्य में भाई बहन जैसे कोई रिश्ते नहीं होते, वहां पर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व, पूरी अमेरिका को भाई बहन के प्यारे सुंदर नाते संस्कार में पिरो लिया। ये हमने किताबों में पढ़ा, अपनी आंखों से नहीं देखा हमने। उस दिन विवेकानंद जी की उस छवि को हमने महसूस किया, जब ह्यूस्टन के अंदर हावड़ी मोदी कार्यक्रम हुआ, पूरा विश्व देखता था कि जब भारत का सन्यासी भगवा नहीं पहने, लेकिन भारत माँ का सपूत होकर जब ह्यूस्टन की धरती से पूरे विश्व को संबोधित करता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय में प्रेरणा आ जाती है, हृदय आंदोलित हो जाता है। विवेकानंद जी का स्मरण हो आता है, भारत की छवि, उनका बोलना अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपनी सीट से खड़े होकर स्वागत में ताली बजाने को मजबूर कर देता है। वाणी के अंदर ऐसी सरस्वती का प्रवाह, क्योंकि जीवन में संयम है।
मांसाहार नहीं है, द्यूत नहीं है, जहां जहां सदाचार है, जहां सात्विकता है जिनके हृदय में, जहां मां भगवती की भक्ति का संस्कार है जिनमें, उनकी वाणी पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती, ऐसे प्रधान पंत मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर को आज पूरा देश पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। उनकी मां माननीय श्री श्री हीरा बहन जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी कोख में ऐसा लाल, ऐसे लाल को जन्म दिया। उनके संस्कारों को प्रणाम करता हूं, जिस मां ने अपने लाल को उंगली पकड़कर चलना सिखाने के साथ, माता भारती के गीतों के साथ में उनको संस्कारित करके प्रेरणा दे दी। उनको चाय बेचने वाला बच्चा, भारत का प्रधान पंत, कैसे संस्कार मां के, कैसा त्याग, कैसी तपस्या, कैसा सात्विकता से भरा उनका जीवन, हमारे लिए, पूरे भारत के लिए, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों युवाओं के लिए, समग्र भारतवासियों के लिए, राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणा है। इसलिए मोदी जी के जीवन से प्रेरणा लीजिए। कोई भी विषम परिस्थितियां आए, संघर्ष आए, समय चुनौती देकर सामने क्यों ना खड़ा हो, चारों तरफ से आपको दुश्मन क्यों ना घेर ले, यदि आपके हृदय के अंदर दृढ़ संकल्प और सच्चाई है, आप एक निष्ठ हैं, आपकी देशभक्ति के अंदर संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। आप अपने संकल्प के साथ में खड़े होंगे तो वो संकल्प साकार होते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का ये जो सेवा सप्ताह जन्म दिवस चल रहा है, मैं सभी जम्मू कश्मीर लद्दाख भारतवासियों से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि एक एक वृक्ष लगाइए आप अपने घर में। फलों का वितरण हो रहा है, अभी हमारे 13 सितंबर का फलों का वितरण हो रहा है, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे जा रहे हैं, हमारे जिनके नेत्रों में रोशनी का अभाव है उनको चश्मे दिए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। भारत के अंदर ये उत्सव है और इस उत्सव में आप देखिए तो समाज की सेवा है, समर्पण है। जन्म दिवस जो है इसका ध्येय केवल भारत की, समाज की सेवा करना ही नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस का ये ध्येय है। इसलिए सभी समाज के आध्यात्म से जुड़े हुए सामाजिक लोग, बुद्धिस्ट लोग इसको जन्म दिवस को सेवा रूप में, सेवा सप्ताह के रूप में बना रहे हैं। मेरे पास में समय का अभाव है, पुनः एक बार मैं समस्त जम्मू कश्मीर लद्दाख भारतवासियों को, हमारे ऐसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जो दृढ़ संकल्पी हैं, जो भारत माता के सपूत हैं, उनकी देशभक्ति एक निष्ठ है, उन्होंने जो हमें विशेषकर जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को दो केंद्र शासित राज्यों में परिवर्तित किया गया, कैसा दृश्य है आज जम्मू कश्मीर में, इसको वाणी से व्यक्त करने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है। इसलिए मैं सभी को पुनः एक बार इस 17 सितंबर की माननीय प्रधान पंत जी के जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभाशीष देता हूँ। माँ भगवती अमरनाथ जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी को शतायु करें, दीर्घायु करें, उन्हें आरोग्यता दे, उन्हें माँ भगवती उनको ऐसा सामर्थ्य देना कि जो कुछ कार्य बचे हैं उन कार्यों को भी वो परिपूर्ण कर सके, ऐसा सामर्थ्य मेरी माँ भगवती और बाबा अमरनाथ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी के साथ में वाणी को विश्राम। जय भारत, जय श्री राम।